Hi, this is Mr. S. Prasad, motivational speaker. दोस्तों आज मैं आपके साथ एक अलग टॉपिक्स पर चर्चा करना चाह रहा हूँ. टॉपिक्स है इंसान बनने की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ बीइंग ह्यूमन. इंसान अपनी ज़िंदगी में सफलता और उपलब्धि प्राप्त करने के लिए बहुत कुछ करता है, करना भी चाहिए, क्योंकि इंसान की ज़िंदगी सफलता और उपलब्धि के बिना कोई मायने नहीं रखती. बहुत सारे लोग बड़े बड़े नेता हो जाते हैं, MLA MP हो जाते हैं, मंत्री बन जाते हैं, IAS IPS हो जाते हैं, डॉक्टर्स इंजीनियर बन जाते हैं, लेयर बन जाते हैं, या बड़े बड़े अधिकारी बन जाते हैं, या इसी सरीके बहुत सारी चीज़ प्राप्त कर लेते हैं. और इस प्रकार इस उपलब्धि से उनकी ज़िंदगी में उनकी व्यक्तिगत, पारिवारिक और सामाजिक आवश्यकताएँ पूरी हो जाती है और वे अपनी मुराद पूरी कर लेते हैं. परंतु ऐसे लोगों की ज़िंदगी में भी सुख दुख आते हैं, उत्थान पतन आते हैं, बावजूद उसके ये लोग सफल व्यक्ति माने जाते हैं. भले ही ज़िंदगी जैसी भी हो, आप सबको मालूम है. अब समाज का एक दूसरा तबका जो है, जो ऊपर वाले उपलब्धि को हासिल करने के योग्य नहीं होता है, वो चाहे जिस कारण से हो, वो उपलब्ध नहीं कर पाता है, उसके योग्य नहीं होता है, उसका समर्थ नहीं होता है और वह उपलब्धि हासिल नहीं कर पाता. परंतु इस में भी दूसरे जो तबका है, उस तबके में भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका अपने परिवार, समाज, संस्था या प्रदेश, देश या अपने समाज के बहुत बड़े हिस्से में एक चुंबकीय आकर्षण होता है, मैग्नेटिक अट्रैक्शन होता है, या उस व्यक्ति के व्यक्तित्व, छवि, बोली, व्यवहार, विचार, लोगों के प्रति सोच, लोगों के हेल्पिंग एटीट्यूड, लोगों को हमेशा मदद करने की सोच, लोगों की समस्याओं को सुनने का सामर्थ्य और मदद करने की, ये सारे चीज जो है, जो आंतरिक गुण है, इस आंतरिक गुण के लिए उसको कोई परिश्रम और प्रयास करने की जरूरत नहीं है. जैसा कि पहले वाले में आपने देखा, उसमें सारे प्रयास परिश्रम करने पड़ते हैं, तो पहले वाली उपलब्धि में इंसान को सारे परिश्रम प्रयास करने पड़ते हैं. परंतु दूसरी वाली जो उपलब्धि है, जिस कारण मैग्नेटिक पावर बन जाता है, इसके लिए कुछ आंतरिक उच्चतम गुण है जो अंदर से निकल के आता है. किसी के प्रति प्यार, किसी के प्रति सम्मान, अपनत्व, लोगों को अपना बनाने का कला, लोगों को लगे कि तू मेरा अपना है. और वैसे स्थिति में वैसे लोगों के पास लोग आते ही अपने को बड़ा खुशहाल महसूस करते हैं, दुख दर्द घोल जाते हैं. एक दूसरे के प्रति जो एक दुराव की भावना आती है, वो भी लगता है कि आकर्षण का केंद्र बन गया है. यह जो आंतरिक गुण है, जिसके कारण लोग उसके पास खींचे चले आते हैं, उसके पास रहना चाहते हैं, उसे दूर नहीं जाना चाहते, उसके सान्निध्य में रहना चाहते हैं, उसे हंसी खुशी के माहौल में भूल जाते हैं,
अपने को खो जाते हैं। यह जो आंतरिक गुण है एक दुर्लभ गुण है, पहले वाले गुण से भी कहना चाहिए कि कठिन। पहले वाले गुण को तो प्राप्त करना इसके बनिस्बत आसान है, बल्कि दूसरे वाला गुण प्राप्त करना ज़्यादा कठिन है। और सबसे बड़ी विस्मय की बात यह है कि समाज ने, देश ने और व्यवस्था ने पहले वाले उपलब्धि प्राप्त करने के लिए सारे व्यवस्थाएं निर्धारित कर दी है। मसलन कंपटीशन की व्यवस्था, एजुकेशन की व्यवस्था, सेमिनार की व्यवस्था, ट्रेनिंग की व्यवस्था, वर्कशॉप की व्यवस्था, जिसमें लोग विभिन्न प्रकार के उपलब्धि हासिल करके प्राप्त करते हैं। परंतु दूसरे प्रकार की जो चीज़ जिसमें सही माने में आंतरिक गुणों का विकास हो, जो आदमी आदमी बने, इसके लिए कोई पाठशाला नहीं है, नहीं इसके लिए कोई पाठ्यक्रम निर्धारित है, जिसके कारण समाज में अच्छे व्यक्तियों की कमी हो गई है ऐसा महसूस किया जाता है, और समाज में वैसे लोगों की बहुतायत हो गई है जो लोभी, लालची, दुष्ट प्रकृति के, दूसरे को नुकसान पहुंचाने वाले, दूसरे को उत्प्रेरण करने वाले या दूसरों को नीचा दिखाने वाले व्यक्तियों की भरमार हो गई। अब प्रश्न है कि इस प्रकार के व्यक्ति जो समाज का सर्वोत्कृष्ट व्यक्ति है या मनुष्य के आंतरिक गुणों का विकास का सर्वोत्कृष्ट उपलब्धि है, इसके लिए कोई व्यवस्था तो है नहीं। लेकिन जब आदमी अपने जीवन की उच्चतम ऊंचाई पर जाने की कोशिश करता है, शिखर पर जाने की कोशिश करता है, लंबी प्रक्रिया होती है, लंबे समय लगते हैं, और शिखर तक जाते जाते शायद वो शिखर हासिल कर भी नहीं पाए, परंतु वहाँ तक अगर जा भी पाता है तो इस जाने की प्रक्रिया में जो उसने प्रयास, परिश्रम और सारे आंतरिक गुणों को उसने झोंक दिया है, लोगों की पहचान, लोगों की मान सम्मान, इज्जत, लोगों को कैसे मिलने, कैसे जाने, कैसे पहचाने, लोगों की मदद, अपनी छवि का निखार ताकि अपनी समाज में स्वीकार्यता बढ़ जाए, लोगों के बीच में अपनी स्वीकार्यता बढ़ जाए, ये सारी जो चीज़ें होती है और इस प्रक्रिया में जो परिष्कृत होकर जो आदमी बनता है वह सही माने में आदमी होता, और यही मनुष्य के बनने की प्रक्रिया है, बिंग ह्यूमन, प्रोसेस ऑफ बिंग ह्यूमन। इस पर एक छोटी सी कहानी है। एक बड़ा ही बुद्धिमान व्यक्ति था जिसके पास समाज या दूर दूर से लोग उसकी बहुत सारी समस्याओं के निदान के लिए उसके पास आते थे, और उनको बहुत प्रकार के निदान देता था अपने विचारों से, अपने व्यवहारों से, अपने पुराने अनुभवों से, इस प्रकार भीड़ लगी रहती थी। उसको एक लड़का था, लड़का प्रायः हर हमेशा मौज मस्ती में और पैसे की बर्बादी में लगा रहता था। वो व्यक्ति परेशान था, क्या करे, कैसे व्यवहार करें। एक दिन लड़के को बुलाया और बताया, एक नक्शा दिया कि फला जमीन दूरी पर एक गांव है पहाड़ी के नीचे, वहाँ एक पेड़ है, उस पेड़ के नीचे मैंने बहुत पहले एक संपत्ति गाड़ दी थी, तुम जाओ और वहाँ से खोते लाओ, तुम अपने जाने की व्यवस्था कर लो, रहने, कपड़ा, खाने सब लेकर के जाओ। लड़का तैयार हो गया, चला गया। क्योंकि दूरी काफ़ी थी इसलिए लंबे समय लगे, लगभग 6 महीने के समय लगे। इस 6 महीने के दिनों में इतने जगह रुकना, मिलना, उठना बैठना में उस लड़के के पहले और अब में बहुत ज़्यादा बदलाव हो गया। लोगों से कैसे मिलना है, कैसे बोलना है, कैसे सम्मान देना है, कैसे इज्जत देना है, कैसे उनसे एक दूसरे के नज़दीक आना है, ये प्रक्रियाएँ उसकी चलती रही 6 महीनों तक। उसको बहुत ज़्यादा अनुभव हुए
और अंत वहाँ पहुँचा। पहुँचने के बाद पहाड़ी पर कोई संपत्ति उसको सोना चांदी नहीं मिला, क्या करता, लौट करके आने लगा। आया, आने के क्रम में बहुत सारे खेत खलिहान, पहाड़, नदी और फूलों के बगीचे, फिर लोगों से मिलते जुलते वापस गए, क्योंकि जाने के क्रम में काफ़ी लोगों से उसका परिचय, बात, व्यवहार सब कुछ हो गया था। लौट कर जब घर पहुंचा तो उसने पिताजी को कहा, पिताजी वहाँ तो कोई कुछ नहीं था, कोई सोना चांदी नहीं था, शायद हो सकता है काफ़ी दिन हो कोई लेके चला गया हो, आपने यहीं भेज दिया था ना। तो उसके पिता ने कहा कि नहीं, पहले मुझको तुम ये बताओ कि यात्रा कैसी रही, फिर मैं बताऊंगा उसके बारे में। उसने कहा कि यात्रा और आने और जाने में काफ़ी रोमांचकारी रही, मैं काफ़ी लोगों से मिला, काफ़ी लोगों के यहाँ रुका, मिला जुला, बात किया, विचार किया, व्यवहार किया, सम्मान दिया, सम्मान मिला, प्रेम बढ़ा, ये सारे अनुभव की बातें मैंने सीखी, जानी, समझी आने और जाने के क्रम में। और उस सचमुच में जाने से पहले और जाने के जाकर यात्रा करने के आने के बाद उसके व्यवहारों से, उसकी बोली, उसकी समझ से लग रहा था कि वह तो पहले वाला है ही नहीं। तो पिताजी ने कहा वहाँ कोई सोना चांदी नहीं था, मैंने तो तुमको इसलिए भेजा था कि दुनिया में तुम जाओ, लोगों से मिलो, जानो, समझो, सीखो और एक आदमी बनो। तो दोस्तों, ये आदमी बनने की प्रक्रिया किसी पाठशाला से नहीं हो सकती है, आदमी बनने की प्रक्रिया समय और अनुभव बताता है। और वो जो चुंबकीय पावर के जो व्यक्ति होते हैं, मैग्नेटिक पावर के, और व्यक्ति बनने के लिए उन सारे गुणों को विकास करना पड़ता है, आंतरिक है तो बाहर से थोपा नहीं जा सकता है। अच्छे गुणों का विकास जिससे व्यक्ति स्वतः मैग्नेटिक पावर का केंद्र बन जाए। दोस्तों, कहानी छोटी है लेकिन बहुत ही प्रेरणादायक है और बहुत कुछ सीखने वाली है, इंसान को सही माने में इंसान बनाने की कहानी है। मुझे उम्मीद है पसंद आएगी और मैं इस कहानी पर आपसे कमेंट्स भी चाहूँगा और मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें और लाइक एंड शेयर जरूर करें, सो दैट कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये जा सके, मैं आगे आपको और बेहतर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।